हेलो एवरीवन, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जावा प्लेटफॉर्म्स एंड एडिशंस। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावा प्लेटफॉर्म्स एंड एडिशंस के बारे में कि प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं और उसमें कितने एडिशंस यूज किए जाते हैं, किस एडिशन में हम किस तरह की एप्लीकेशंस बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट जावा प्लेटफॉर्म्स एंड एडिशंस। तो ये है देखिए जावा प्लेटफॉर्म्स एडिशंस। पहले हम प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ते हैं कि प्लेटफॉर्म है क्या, फिर उसमें कितनी तरह के एडिशंस यूज होते हैं। तो देखिए प्लेटफॉर्म एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच ए प्रोग्राम रन्स इज नोन एज ए प्लेटफॉर्म। कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जिसमें आप प्रोग्राम रन करते हैं उसी को प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। सिंस जावा हैज इट्स ओन रन टाइम एनवायरनमेंट, जो कि जावा का अपना रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसको बोलते हैं GRE, एंड APIs है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, इट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म, और यही जावा का प्लेटफॉर्म कहलाता है। अब इसमें कितने एडिशंस यूज होते हैं, तो देर आर 4 एडिशंस इन जावा प्लेटफॉर्म। पहला है आपका जावा SE, जिसको बोलते हैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन। इट इज ए जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, ये जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है। इट इंक्लूड्स जावा प्रोग्रामिंग APIs, इसमें क्या शामिल है, जावा प्रोग्रामिंग APIs जिनको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कौन कौन सी, सच एस java.language, java.io, java.net, java.util, java.sql, java.maths, etc. ये सारी की सारी जावा प्रोग्रामिंग APIs हैं। इट इंक्लूड्स कोर टॉपिक्स, इसमें कोर टॉपिक्स शामिल हैं लाइक ऊप्स, स्ट्रिंग, रिजेक्ट्स, एक्सेप्शन, इनर क्लासेस, मल्टी थ्रेडिंग, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, नेटवर्किंग, AWT, स्विंग, रिफ्लेक्शन, कलेक्शन, etc. ये सारे के सारे कोर टॉपिक्स शामिल हैं किसमें, जावा SE में। नेक्स्ट है आपका जावा EE, जावा एंटरप्राइज एडिशन। इट इज एन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म, ये एक एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है विच इज मेनली यूज टू डेवलप वेब एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, जो मेनली यूज किया जाता है क्या डेवलप करने के लिए, वेब एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए यूज की जाती है। इट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ जावा SE प्लेटफॉर्म, ये जावा SE प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। इट इंक्लूड्स टॉपिक्स, और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल है लाइक सर्वलेट, ASP, वेब सर्विसेज, EJB, JPA, etc. ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें शामिल है, इसमें जावा EE में। नेक्स्ट है जावा ME, जावा माइक्रो एडिशन। इट इज़ ए माइक्रो प्लेटफॉर्म, ये एक माइक्रो प्लेटफॉर्म है विच इज़ मेनली यूज टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जावा FX, इट इज़ यूज टू डेवलप रीच इंटरनेट एप्लीकेशंस, जो मेन इंटरनेट एप्लीकेशंस है उनको डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। इट यूजेस लाइट वेट यूजर इंटरफेस API, ये लाइट वेट यूजर इंटरफेस API का यूज करता है। RIA आर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, और RIA क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। और नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जावा पैकेजेस क्या है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है अपने आप में। तो देखिए पहले हम जावा पैकेज के बारे में जान लेते हैं क्या है, फिर जावा API पढ़ेंगे क्या है। ए पैकेज इन जावा इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस, जावा में पैकेज रिलेटेड क्लासेस के ग्रुपिंग के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जैसे आप एक फोल्डर बनाते हो, फोल्डर में क्या करते हो, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, थिंक ऑफ इट एज अ फोल्डर इन ए फाइल डायरेक्टरी। एक फाइल डायरेक्टरी में एक फोल्डर की तरह इसको सोचो कि एक फोल्डर है, पैकेज भी एक फोल्डर है। वी यूज पैकेजेस टू अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स, हम पैकेजेस का यूज करते हैं किस लिए, नेम कॉन्फ्लिक्ट्स से बचने के लिए हम पैकेजेस का यूज करते हैं। एंड टू राइट ए बेटर मेंटेनेबल कोड, और बेटर मेंटेनेबल कोड को राइट करने के लिए, नेम कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम पैकेज का यूज करते हैं। पैकेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, और पैकेजेस दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। नंबर वन बिल्ट इन पैकेजेस, पैकेजेस फ्रॉम द जावा API, जो जावा API के पैकेजेस हैं, और यूजर डिफाइंड पैकेजेस, जो हम अपने पैकेजेस क्रिएट करेंगे। ये था आपका कि पैकेजेस क्या है। नेक्स्ट है आपका जावा API। द जावा API इज ए लाइब्रेरी ऑफ प्री रिटन क्लासेस, जावा API ए रिटन क्लासेस की लाइब्रेरी है, जो पहले से ही रिटन क्लासेस है उनकी लाइब्रेरी है। दैट आर फ्री टू यूज, फ्री है यूज करने के लिए, इंक्लूडेड इन द जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और ये किस में शामिल है, जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। इट इज प्री इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ये प्री इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है,
यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग ए कम्युनिकेशन और किस लिए यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए किसके बीच में, बिटवीन डिजायर्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स कंपोनेंट्स के बीच में। लाइब्रेरी कंटेन्स कंपोनेंट्स फॉर मैनेजिंग इनपुट्स, लाइब्रेरी कंपोनेंट्स कंटेन करती है किसके लिए, इनपुट मैनेज करने के लिए, डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए एंड मच मोर, और भी बहुत कुछ करने के लिए। लाइब्रेरी इज डिवाइडेड इनटू पैकेजेस एंड क्लासेस, लाइब्रेरी को डिवाइड किया गया है किसमें, पैकेजेस और क्लासेस में। मीनिंग यू कैन आइदर इम्पोर्ट ए सिंगल क्लास, इसका मतलब ये है कि आप एक सिंगल क्लास भी इम्पोर्ट कर सकते हो और ए होल पैकेज या पूरे पैकेज को इम्पोर्ट कर सकते हो, दैट कंटेन ऑल क्लासेस, जिसमें पूरी की पूरी क्लासेस कंटेन्ड होंगी, उस पूरे पैकेज को भी इम्पोर्ट कर सकते हो, दैट बिलोंग टू द स्पेसिफाइड पैकेज, जिसमें वो सब क्लासेस हैं जो एक स्पेसिफाइड पैकेज से बिलोंग करती है। अब इसको कैसे इम्पोर्ट करते हैं, देखिए इम्पोर्ट पैकेज डॉट पैकेज का नाम डॉट क्लास, जो भी हम पैकेज बनाते हैं उसका नाम डॉट क्लास के साथ हम यूज करते हैं इम्पोर्ट करने के लिए। इम्पोर्ट अगर आपका एक पर्टिकुलर सिंगल क्लास को इम्पोर्ट कर रहे हो तो उसका नाम दे करके डॉट क्लास, और अगर पूरे पैकेज को आपको इम्पोर्ट करना है तो इम्पोर्ट पैकेज डॉट नेम डॉट स्टार, ये पूरे पैकेज को इम्पोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका वाई यूज जावा, जावा का यूज क्यों किया जाता है, तो जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जावा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करता है, विंडोज, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई एक्सेट्रा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड में। इट इज इजी टू लर्न है, सिंपल टू यूज है, इट इज ओपन सोर्स है एंड फ्री है, इट इज सिक्योर है, फास्ट है, पावरफुल है, इट हैज ए ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, यानी कि मिलियंस ऑफ डेवलपर्स इसको यूज करते हैं। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, विच गिव्स ए क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम्स, जो एक क्लियर स्ट्रक्चर देता है हमें प्रोग्राम बनाने के लिए, एंड अलाउज कोड टू बी रीयूज्ड, और इसका जावा में लिखे हुए प्रोग्राम्स के कोड को हम रीयूज भी कर सकते हैं। लोअरिंग डेवलपमेंट कॉस्ट, इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट कम आती है। एज जावा इज क्लोज टू सी प्लस प्लस एंड सी शार्प, जावा जो है किसके जैसी है, सी प्लस प्लस और सी शार्प जैसी। इट मेक्स इट ईजी फॉर प्रोग्रामर्स, ये प्रोग्रामर्स के लिए आसान बना देता है टू स्विच टू जावा और वाइस वर्सा, जावा में स्विच करना या जावा से अदर लैंग्वेजेस में स्विच करना ये आसान कर देता है। तो ये था कि जावा को यूज क्यों किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस क्या है जावा प्रोग्रामिंग की, तो देखिए एडवांटेज ऑफ लर्निंग, जावा प्रोग्रामिंग को सीखने की एडवांटेज क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पे बनाओगे तो वो एक ही प्लेटफॉर्म पे चलेगा, ऐसा नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ आप कहीं भी उसको रन कर सकते हो, बस आपके पास एनवायरनमेंट होना चाहिए रन करने का प्रोग्राम को। एंड सिंपल है, सिक्योर है, पोर्टेबल है, रोबस्ट है, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो बाकी हम प्रोग्राम का सिंटैक्स और प्रोग्राम बनाना हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा शुरू में थ्योरी है, एक दो दिन थ्योरी पढ़नी पड़ती है हमें आगे प्रोग्राम्स बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।